हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छे हैं। लगभग रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके सॉरी कि मेरे कैसे इंटरेस्ट हैं। तो आज ये एलोवेरा को दिखा रहा हूँ। दो तीन चीज़ें बताऊँगा एलोवेरा के बारे में। पहले तो बताऊँगा कि कैसे, मतलब एलोवेरा का इस्तेमाल भी किया जाता है और बहुत औषधिक मेडिसिनल इसके गुण होते हैं और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप एलोवेरा का सेवन करते हैं। फिर बताऊंगा कि इसकी केयर कैसे करनी चाहिए जिससे आप क्या घर में बहुत अच्छी तरीके से चले। और तीसरा कि एक पेड़ से कई पेड़ कैसे बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ये जो एलोवेरा का पेड़ है, ये बेसिकली रेगिस्तानी इलाकों का है जिसकी भी पत्तियां ऐसे आपको मोटी दिखें तो रेगिस्तान वाले पेड़ों में एक खासियत होती है क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है तो वो अपना पानी इकट्ठा करके रखते हैं। ये पूरे साल भर होता है, गर्मी के सीजन में ये रेड कलर का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, औषधीय गुण बहुत होते हैं। जो इसका अंदर का गूदा होता है, फ्लैश होता है, आप ऊपर की मोटी स्किन छील देंगे दोनों तरफ से और साइड से तो गूदा निकल आएगा। तो लैक्सेटिव नेचर का होता है। लैक्सेटिव नेचर का मतलब हुआ जिनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत रहती है वो इसका रात में एक बार सेवन कर लें तो बहुत फ़ायदा करता है ये। और दूसरी चीज़ क्या है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में माना जाता है कि सोरायसिस, जो स्किन की एक बीमारी होती है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है ये। बहुत मुश्किल से ठीक होती है, ठीक नहीं होती बल्कि चलती रहती है, उससे बहुत फ़ायदा करता है। इसका गूदे को मैश कर लीजिए, उससे एक बहुत चिकना तरल पदार्थ निकलेगा, बहुत चिपचिपा टाइप का होता है, उसको आप स्किन में लगाएं। आजकल बहुत सारे जेल मिल रहे हैं तो जल से अच्छा मुझे लगता है कि आप सीधे इसको ही करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी केयर की बात करते हैं इसकी। ये इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइजर खाद नहीं चाहिए। थोड़ी सी आप काऊ डंग डाल दें, गाय गोबर, और थोड़ा थोड़ा पानी, जब मिट्टी सूख जाए पूरी तरीके से तभी पानी डालें, अदरवाइज मत डालें वरना इसकी रूट्स सड़ जाएंगी। और ये आराम से चलता रहेगा, धूप में ज़रूर रखें इसको। अगर आपने शेड में रख दिया तो ये धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा क्योंकि रेगिस्तान में धूप बहुत तेज़ होती है। तो इसको कोशिश करें छत पे रखें जहाँ 6 से 8 घंटा कम से कम इसको धूप लगे तो ये आराम से चलता रहेगा। अब फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ कि आपको इसका एक पेड़ से कई पेड़ कैसे बनाएं। ये देखिए, एक अलग से निकल रहा है इसमें, ये जितना हिस्सा हिल रहा है आप हल्का सा किसी चीज़ से, खुरपी से खोद लें इसको और इसको निकाल के एक अलग पॉट में लगा दें। ये आराम से चलता रहेगा और इतना ही बड़ा या इससे भी बड़ा प्लांट बन जाएगा। ये बहुत स्वस्थ प्लांट है। आपको कहीं कहीं पे कटिंग दिख रही होंगी, काले काले निशान, जो इसकी हम लोगों ने इस्तेमाल कर ली है। आप यहाँ से ऐसे काट लीजिए थोड़ा सा छोड़ के और उसका इस्तेमाल आराम से करिए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। सीधे कच्चा ही खा लिया जाता है उसको, कोई नुकसान नहीं करता है क्योंकि ये हम लोग का अनुभव रहा है। और आप अपने घर में उगाएं, इधर पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। बहुत सारे फेस पैक, साबुन, सोप्स, इन सब में, शैम्पू, इन सब में बड़ा मिक्सचर आ रहा है, क्रीम ही आ रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही बताना था, वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जो पूछना हो पूछ लीजिए प्लीज़। थैंक यू फ्रेंड।